हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं दिंडी देवी मंदिर, जो जिसे शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर भिवंडी बाईपास से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और यह मंदिर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। और इस वक्त हम एकदम ऊपर शिखर पर ऊपर आ गए हैं और काफ़ी दूरी चढ़ने के बाद हम मंदिर के ऊपर वाले हिस्से पर आ गए हैं और हम आपको यहां से नीचे का कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहां से काफ़ी खूबसूरत सा दृश्य दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त हम मंदिर के अंदर हिस्से में जाने का प्रयास कर रहे हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर बसा यह मंदिर काफ़ी भव्य और काफ़ी अद्भुत और काफ़ी प्राचीन मंदिर भी है। और यहाँ पर काफ़ी लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप भी यहाँ पर आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ से आपका घर कितनी दूर है? क्या आप महाराष्ट्र के हैं? और हम आपको बता दें दोस्तों कि यह महाराष्ट्र के भिवंडी बाईपास में स्थित है। जैसा कि दोस्तों आप हम मंदिर के अंदर वाले हिस्से को दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के सिवा और कई भी प्रतिमाएं हैं और हम आपको यहाँ के पुजारी का भी वीडियो दिखा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल और काफ़ी सुंदर सा दृश्य यह मंदिर का है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी भक्त यहाँ पर आते हैं। दोस्तों अब चलते हैं बाहर की ओर और आप देख सकते हैं नंदी बाबा का मूर्ति भी इधर है। और हम बाहर की ओर अब दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ा विशाल मंदिर भी है और अब इसे दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर एक मिरर भी लगा है जिसे शीशा कहते हैं। और हम आपको बता दें कि दोस्तों यह मराठी के शब्दों में लिखा है, जो हमें नहीं आती आप देख सकते हैं वीडियो में। और हम यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं भिवंडी बाईपास के आसपास का कुछ इलाका कि, और यह मंदिर पहाड़ी की काफ़ी ऊपर बसा हुआ मंदिर है। और आपको देखकर कैसा लगा? और आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ अगर आप भिवंडी बाईपास या महाराष्ट्र में रहते हैं। और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना बहुत ही अत्यंत सुख और आशीर्वाद का मनोहर दृश्य होगा। और यहाँ से काफ़ी सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है अगर आप